हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना अगला टॉपिक, सीडीपी का अपना अगला टॉपिक। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके नियम को समझा था, ठीक है। तो अब आज देखेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे है, आप लोग जाके कल देख लीजिएगा। अब आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास के निर्धारक को, ठीक है। तो वृद्धि और विकास के निर्धारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, दो निर्धारक है वृद्धि और विकास को, दो कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, वंशानुक्रम प्रभावित करता है और दूसरा है वातावरण। तो क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा समझ लीजिए कि केवल वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करे या फिर केवल वातावरण विकास को प्रभावित करे, तो ऐसा नहीं है। वंशानुक्रम और विकास दोनों ही वृद्धि, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, कोई एक नहीं कर सकता, ठीक है। तो वुडवर्थ का मानना था, ध्यान दीजिएगा कि वुडवर्थ ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जो वृद्धि और विकास है, ठीक है, वो क्या है? वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने ये माना है कि जो बालक का विकास है, बालक का जो विकास है वह वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का गुणनफल है, ना कि इन दोनों का जोड़ है, ठीक है। यानी कि जोड़ करके वंशानुक्रम और वातावरण का नहीं, गुणनफल है। केवल वंशानुक्रम, कहने का मतलब ये है कि केवल वंशानुक्रम विकास को प्रभावित नहीं कर सकता, या और केवल वातावरण विकास को प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं, दोनों का ही इक्वल इम्पोर्टेंस जो है रोल प्ले होता है किसमें? बालक के विकास में, ठीक है। तो ये वुडवर्थ का कहना है कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है वृद्धि और विकास। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, वंशानुक्रम को डिस्कस करें इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले आती हूँ कि वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, डिटेल में जब हम लोग गर्भावस्था पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि वंशानुक्रम कैसे बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो छोटा सा मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में लिया है, जिससे कि आपको अच्छे सी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि नर एवं नारी में, दोनों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि नर एवं नारी में 23 जोड़े, ध्यान दीजिएगा कि 23 जोड़े जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े या फिर 46, ठीक है, 46 गुणसूत्र। अगर एग्जाम में पूछे कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, अगर केवल पूछे कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपका आंसर सही होना चाहिए 46, ठीक है। तो ये हुआ, तो नर एवं नारी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्र में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। इन्हीं गुणसूत्र में जीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? वाहक होते हैं, यानी कि माता पिता के जो गुण और अवगुण, वो क्या होते हैं? जीन्स द्वारा ही उनके संतानों में पहुँचते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि गुणसूत्र में जीन्स होते हैं और यही जीन्स वाहक होते हैं माता या पिता के गुण और अवगुण का उनकी संतानों में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये देखिए, ये पुरुष है और ये स्त्री, तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं वह नर एवं नारी एवं नर में एक समान पाए जाते हैं, यानी जो 22 जोड़े गुणसूत्र है वह पुरुष और स्त्री में एक समान पाए जाते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, देखिए 23वां जोड़ा तो नारी में एक समान होता है, 23वां जोड़ा जो है नारी में एक तरीके का होता है, लेकिन पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है वह दो प्रकार का होता है, किसके रूप में? एक्स और वाई के रूप में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जब पुरुष का गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र नारी के अंडाणुओं से संयोग करता है, तो देखिए एक जैसा हुआ, तो जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र नारी के अंडाणुओं से संयोग करता है तो फलस्वरूप क्या होता है? तो लड़की होती है, ध्यान दीजिएगा। और जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र शुक्राणु
नारी के, देखिए नारी के अंडाणु से संयोग करता है तो क्या होता है, तो लड़का होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लड़का या लड़की होने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वह पूरी तरीके से पिता पर निर्भर होती है। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि गुणसूत्र में ही जींस उपस्थित होते हैं, और यही जींस जो है गुण या अवगुण के वाहक होते हैं संतानों में उनके माता पिता के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया वंशानुक्रम, कैसे गुण जो है गुण और अवगुण बच्चों में पहुँचते हैं, तो ये मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम से कैसे कैसे प्रभावित होते हैं। तो देखिए वंशानुक्रम शरीर रचना किस 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 चीज़ में प्रभाव करता है वंशानुक्रम, तो देखिए बालक के शारीरिक रचना पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि बाहरी जो परिवर्तन होता है साथ साथ आंतरिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। और तीसरा है तंत्रिका तंत्र, और चौथा है बुद्धि। तो वंशानुक्रम व्यक्तित्व बालक के विकास को वंशानुक्रम चार तरीके से प्रभावित करता है, शारीरिक रचना के आधार पर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तंत्रिका तंत्र और बुद्धि। साथ साथ हम लोग वातावरण को भी डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि जो वृद्धि एवं विकास है वो क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो अगर हम लोग वंशानुक्रम डिस्कस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग वातावरण भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला है इसमें गृह एवं जन्मक्रम, यानी घर कैसा होना चाहिए, और बालक के जन्मक्रम यानी पहले नंबर का बालक या दूसरे नंबर का बालक, ठीक है, इसको आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। दूसरा है पास पड़ोस, तीसरा है विद्यालय एवं समाज, और चौथा है हमारी संस्कृति, ठीक है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम और वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कैसे दोनों एक साथ प्रभावित करते हैं। तो जैसे कोई बच्चा है, ठीक, वो जैसे उसने बहुत जब वो पैदा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है, वो अपने माता पिता जैसा सुंदर होगा, अगर उसके माता पिता सुंदर है तो वो भी सुंदर होगा, उसकी आदतें और उसकी सभी चीज़ें उसकी अच्छी होंगी, ठीक है। जो भी वंशानुक्रम से उससे जितनी भी अच्छी चीज़ें मिली तो उसके पास अच्छी होंगी। लेकिन अगर उसे सही पोषण ना मिला, सही वातावरण नहीं मिला, ठीक है, उचित विद्यालय और उसके पास पड़ोस उसकी मित्र मंडली अच्छी नहीं, तो क्या वंशानुक्रम से जितनी मिली गुण उसको प्रभावित करेंगी? बिल्कुल प्रभावित करेंगी। जब उसको उचित वातावरण, उचित पोषण, उचित समाज या संस्कृति संस्कार नहीं मिलेंगे तो जितने भी गुण उसने अपने माता पिता से पाए हैं वो सब किस में बदल जाएंगे? वो सब अवगुण में बदल जाएंगे। अगर वो बहुत अच्छा दिखता है, अगर खाने पीने का अभाव हो गया तो कुपोषित हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके माता पिता संस्कारी हैं लेकिन उन्होंने अपने संस्कार बच्चों में नहीं दिए तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बच्चे मैनरलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, कोई एक नहीं। ऑप्शन में जब भी आए तो आप दोनों ही लगाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम तो दे देगा कि वंशानुक्रम वातावरण दोनों या फिर दोनों नहीं। तो आप लोग हमेशा दोनों पे ही टिक करिएगा, बालक के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे शारीरिक रचना। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए वंशानुक्रम में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था शरीर रचना। तो देखिए शरीर रचना इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि शरीर रचना हमें बाहर से दिखाई देती है कि बच्चे का डील डॉल कैसा है, ऊंचाई भार, ठीक है, चेहरे की बनावट, आंखों की बनावट, तो ये सब कह सकते हैं कि जो शरीर रचना जो होता है वो अपने माता पिता या अपने दादा दादी या अपने नाना नानी से भी मिलता है, ठीक है। तो जो उसके गुण होते हैं वह ऐसे ही बच्चों में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से निकलते हैं? देखिए क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से, कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से, ठीक है। तो शरीर रचना तो प्रभावित करती ही करती है बालक के विकास को, साथ ही साथ देखिए ध्यान दीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। शरीर रचना को तो हम लोग बाहर से देख के समझ लेते हैं, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं यह व्यक्ति या बालक के शरीर के अंदर रहकर जो है वह परिवर्तन करती हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वह किस चीज़ का उत्सर्जन करती हैं? वह उत्सर्जन करती हैं हार्मोन्स का, यानी हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का उत्सर्जन होता है। ये ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी हैं,
तो सबसे पहले देखिए पीयूष ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी एड्रिनल ग्रंथि, चौथा है पैनक्रियास और पांचवा है यौन ग्रंथि। ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है यह व्यक्ति के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे बॉडी की कौन है, तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है, यानी कि यकृत है। यकृत हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर पूछे कि एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सबसे पहले मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसके नाम और काम को हम लोग जानेंगे कि ये सारी ग्रंथियां कौन कौन से काम करती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान से पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हाइपोथैलेमस के नीचे यह स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है, तो यह हाइपोथैलेमस के नीचे यह स्थित रहता है। यह क्या है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ग्रोथ, जो हमारी वृद्धि ये कौन से जो है हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, तो वृद्धि हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है। वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तीन नाम है, एकदम ध्यान से इसको रट लीजिएगा, नाम और काम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। दूसरी है थायराइड ग्रंथि, अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ रहती है, ये गले में स्थित रहती है। देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है, तो ये गले में स्थित रहती है, ऐसे कॉलर की तरह। ठीक है, ऐसे कॉलर की तरह ये थायराइड ग्रंथि जो है गले में स्थित रहती है। ये कौन सा हार्मोन उत्सर्जन करती है, तो यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन करती है। नीचे देखिए, आगे देखिए, चयापचय दर को प्रभावित करती है, यानी हमारी जो चयापचय दर है वो किस ग्रंथि द्वारा प्रभावित होती है, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा, या फिर किस हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा चयापचय दर जो है वो प्रभावित होती है। काम देखिए, ऊर्जा के उत्पादन को बनाए रखना, ऑक्सीजन की खपत में भी सहायता करती है, और कोशिकाओं के अवशिष्ट को समाप्त करना इसका जो है यह मुख्य काम है। किस ग्रंथि का मुख्य काम है, तो थायराइड ग्रंथि का मुख्य काम है, और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का अर्थ प्रत्येक वृक्क के ऊपर होती है, यानी यह संख्या में दो होती है। ठीक है, गुर्दे क्या होते हैं, दो होते हैं, आप लोगों को पता होगा गुर्दे ऐसे दो होते हैं, तो दोनों गुर्दों के ऊपर एक एक क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो एड्रिनल ग्रंथि के जो है वह दो पार्ट होते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि के जो है वह दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। ध्यान दीजिएगा, वृक्क के ऊपर यानी कि जो गुर्दे होते हैं, एक एक दोनों तरफ के गुर्दे के ऊपर दोनों ओर होते हैं, तो यह संख्या में दो होते हैं, और इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला, ये हो गए। और इनका मुख्य काम क्या है, तो हृदय की गति को नियंत्रित रखना मुख्य काम है इनका, किसका, एड्रिनल ग्रंथि का। ध्यान दीजिएगा, एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य काम क्या है, हृदय की गति को नियंत्रित करना। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रही होंगी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, देखिए यह अमाशय के नीचे स्थित होती है। पैनक्रियास कहाँ स्थित होती है, तो यह स्थित होती है अमाशय के नीचे। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन करती है। इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन कौन करता है, तो पैनक्रियास ग्रंथि करती है। ठीक है, इसका काम क्या है, देखिए भोजन के पाचन करना मुख्य काम, भोजन के पाचन में सहायता करना। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता करना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण। एकदम ध्यान से देखिए, रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। और ये कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो ये उत्सर्जित होता है पैनक्रियास से। ठीक है, तो देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। जब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन में कमी आ जाती है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स कम उत्पन्न होने लगता है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, तो जो ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, वह हमारे जो
ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है। जब यानी इंसुलिन नामक हार्मोन कम उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य काम है ग्लूकोज का पाचन करना, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का मुख्य काम है, इंसुलिन का मुख्य काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और जब यही कम उत्सर्जित होगा हमारी बॉडी में तो क्या होगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा होता है मधुमेह रोग। यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन जब कम उत्सर्जित होने लगता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी जब कमी हो जाती है, यानी कम उत्सर्जित होता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। और जब अधिकता होती है, यानी जब इंसुलिन हार्मोन्स बहुत ही अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक उत्सर्जित होने लगता है तो क्या होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है वो बार बार ग्लाइकोजन में बदलती रहती है। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो चिड़चिड़ापन, कमजोरी, वीकनेस, थकान, ये सारी चीज़ें हमारे जो है दिखाई देने लगती है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग कैसे होता है, जब रक्त में इंसुलिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है, जिसके कारण ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बराबर बदलता रहता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वह कम हो जाती है, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट हमारा लास्ट है यौन ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए यौन ग्रंथि हार्मोन का उत्सर्जन इसका कब होता है, तो किशोरावस्था से। इस ग्रंथि में जो हार्मोन का उत्सर्जन होता है कब से प्रारंभ होता है, तो किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। कौन से हार्मोन का उत्सर्जन होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन का उत्सर्जन जो है यौन ग्रंथि द्वारा होता है। और एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तो जो गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि। एकदम ध्यान से देखिएगा कि गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन स्रावित तो यौन ग्रंथि से होता है, लेकिन इसका कंट्रोल कहाँ होता है, इसका कंट्रोल होता है पीयूष ग्रंथि के पास। ठीक है, आई होप अंतःस्रावी ग्रंथियों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया शरीर रचना और अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अब हम लोग डिस्कस करेंगे तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विकसित तंत्रिका तंत्र अगर किसी की है तो वह है मनुष्य की। यानी सबसे ज़्यादा जटिल तंत्रिका तंत्र किसकी है, तो वह है मनुष्य की, सबसे जटिल तंत्रिका तंत्र है। तो यह कहा जा सकता है कि जो बालक बुद्धिमान होता है, यानी देखिए जो जिस बच्चे की तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित होती है तो वह बुद्धिमान होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, उसके सोचने समझने की जो है वह शक्ति जो है अधिक होती है, वह वातावरण के साथ जो है अच्छे से समायोजन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके विपरीत जो कम, जिनकी तंत्रिका तंत्र कम विकसित होती है, यानी नर्वस सिस्टम जिनका कम डेवलप होता है, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं, यानी कि थोड़े से धीमे होते हैं, अंतर्मुखी टाइप के होते हैं और वह वातावरण के साथ पूर्णतः समायोजन नहीं कर पाते हैं, वो सक्षम नहीं होते हैं वातावरण के साथ समायोजन करने में। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, तो शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र और बुद्धि, ये है वंशानुक्रम। अब हम लोग देखेंगे वातावरण, ये सारी चीज़ें हैं वंशानुक्रम। अब हम लोग देखेंगे वातावरण, वातावरण में कैसे, गृह एवं जन्मक्रम, यानी कि घर और जो है बच्चे का जन्मक्रम, जन्मक्रम के घर इंसेंस ऐसे कह सकते हैं कि जिनके घर, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जन्मक्रम भी है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। कैसे, जैसे कि जो जब पहला बच्चा परिवार में जब पहला बच्चा पैदा होता है तो वो अधिक दुलार, अधिक लाड प्यार के कारण क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, परावलंबी हो जाता है, वह अपने से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, इसके विपरीत जब दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, तो दूसरे बच्चे में उतना केयर कोई करता नहीं है। ठीक है,
क्योंकि दो बच्चे हो जाते हैं, पहले में क्या रहता है सारी चीज़ें सारी अटेंशन उसी को मिलती है, और दूसरे बच्चे में क्या होता है कि थोड़ी अटेंशन उसको थोड़ी अटेंशन उसको, ठीक है। इससे क्या होता है जो दूसरा बच्चा होता है वह अधिक, ध्यान दीजिएगा, वह अधिक आत्मविश्वासी दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला होता है, जबकि पहला जो बालक होता है परिवार का पहला बच्चा वह ज़्यादातर अंतर्मुखी स्वभाव का होता है। क्यों? क्योंकि उसको खुलने का अवसर ही नहीं दिया जाता, उसको मांगने से पहले ही उसकी सारी चीज़ें सारी इच्छाएँ जो है वह पूरी कर ली जाती हैं। और जब तीसरा परिवार में जब तीसरा बच्चा आता है तो क्या होता है वह भी अंतर्मुखी स्वभाव का और कम बुद्धिमान वाला होता है। इस हिसाब से जो मध्य यानी जो मिडिल बच्चा होता है, दूसरे नंबर का बच्चा होता है, वह ज़्यादा तेज तर्रार स्वभाव का और आत्मविश्वासी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, ठीक है। अब देखिए पास पड़ोस भी प्रभावित करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास पड़ोस में वातावरण अच्छा नहीं हुआ, गाली गलौज करने वाले हुए या फिर बेकार से लोग हुए, तो क्या होता है उसका प्रभाव भी बच्चों पर बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। इसको आप लोगों पर्सनल आपको खुद ही एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हमारे आसपास के माहौल का हमारे बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से ठीक विद्यालय भी काम करता है, यानी हम लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर यानी अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसमें अपने बच्चों को डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे की परवरिश, हमारे बच्चा जो है आगे चलकर अच्छा आदमी बन सके, ठीक है। और संस्कृति को हस्तांतरित करने का काम किसका है? तो वह है परिवार का। हमें जो संस्कृति वो मिली है वह हमें हमारे माता पिता से मिली है, और जो हमने सीखी है वह हम अपने बच्चों को देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है जो सभ्यता और संस्कृति होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और बच्चे के विकास में जो है बहुत ही सहायता पहुंचाती है। इस तरीके से जो निर्धारक है वृद्धि और विकास के, उनमें इन सब का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। किसी एक को हम लोग पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि इसका रोल ज़्यादा है या फिर इसका रोल कम है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।